विरोध करना विरोधी पार्टियां दा कह सकते हैं कि पहला धर्म होंगे और विरोध करना है कि तुहानू जे कोई चीज़ चंगी नहीं लगती तुसी उहदा विरोध कर दिओ कि नहीं जी ये सानू बेनीफिट नहीं मिलना लोगों को बेनीफिट नहीं मिलना तुसी गलत कर रहे हो इन्हूं इदां करना चाहिए है। पर ये गाली गलोच तक पहुँच जाना मैनूं लगदा मामला बहुत ज़्यादा वध गया। फिर पहले भी आम आदमी पार्टी को बुलाया कि आइए आप प्रेजेंटेशन देखिए और इस मुद्दे पर अपने व्यूज़ दिए, इस मुद्दे पर आप बहस करें, वो नहीं आए, जिससे दर्शाता है कि उनका एक वन साइडेड व्यू है कि हमने नहीं लगना। बुलाया पहला आम आदमी पार्टी यानी बाकी तो जी विरोधी पार्टियां के काउंसलर्स है इस तो पहला उन्होंने बुलाया कि आप इस पर डिस्कस करिए। प्रेस वालों को हमने प्रेजेंटेशन दी है और हमने अकाली के काउंसलर को भी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के काउंसलर नहीं आए। हमने हाई पावर कमेटी में उनका मेंबर डाला, वो भी वहाँ पर आया, अपने मुद्दे सुनाए। काउंसलर्स का भी थोड़े ते दोष है, थोड़ी पार्टी के काउंसलर्स ते दोष है कि सब तो पहला गाली सानू उधरों आई है ते सानू उन्हां दा जवाब दे, कहिंदे जी सानू बाहर कढ़िया तां फिर उन्हां आप जो मर्जी छुपाने के लिए बोली जाए, सदन के अंदर माइक के अंदर किसकी गाली सुनोगे? अब हम जो मर्जी बोली जाए कि उन्होंने ये दिया उन्होंने वो दिया, लेकिन ये बहुत जो हुआ आज ये बहुत शर्मनाक था और किसी भी चुने हुए नुमाइंदों को ऐसे नहीं करना। सत श्री अकाल दा, अनम्यूट देख रहे हो तुसीं ते मैं आ रवि संग्रह होरा। अज चंडीगढ़ दे विच नगर निगम दे वल्लों जानी मेयर साहब दे वल्लों एक मीटिंग बुलाई गई जिन्हों ऑल पार्टी मीटिंग कह लो कि एक प्रोजेक्ट लगना है चंडीगढ़ दे विच, उहदे ते सब दी सहमति लैनी है और मता पास कर देना है कि यह प्रोजेक्ट ठीक है और लगना चाहिए। पर उत्थे एक बहुत वड्डा हंगामा हो गया। थोड़ा जिहा पिछे चलदे आ कि पंजाब विधानसभा दे विच अजिहा हुंदा रहा कि जदों कोई मते पास होने आ विरोधी धिरां दे वल्लों कई बार विरोध किया जाता है तो उन्होंने कुछ मैंबरां नूं सदन तो बाहर भी कर दिता जाता, पर अज इस सदन दे विच भी जानी इस हाउस दे विचों भी आम आदमी पार्टी दे कुछ काउंसलरां नूं मार्शल बुला के बाहर कढ दिता गया। दोवें चीज़ां समझांगे कि हंगामा क्यों होया और वो प्रोजेक्ट की है जिस ते एड्डा वड्डा हंगामा हो गया। मेरे नाल मेयर साहब ने अनूप गुप्ता जी। गुप्ता जी, तुहाडी रहनुमाई दे हेठ अज ये मीटिंग चल रही सी, बड़े शांति दे नाल चलनी चाहीदी सी, पर ये हंगामा बहुत वड्डा हो गया इहदे च। नहीं देखिए, हम भी चाहते हैं कि सदन बड़ा शांति से चले, लेकिन अब कुछ काउंसलर इस चीज़ को नहीं समझते और सदन को भटकाते हैं तो फिर ऐसे ही उसका हमें कुछ कष्ट कोर मतलब हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ये पूरा मामला बनया क्यों? देखो, विरोध करना विरोधी पार्टियां दा कह सकते हैं कि पहला धर्म होंगे और विरोध करना है कि तुहानू जे कोई चीज़ चंगी नहीं लगती तुसी उहदा विरोध कर दिओ कि नहीं जी ये सानू बेनीफिट नहीं मिलना लोगों को बेनीफिट नहीं मिलना तुसी गलत कर रहे हो इन्हूं इदां करना चाहिए। पर ये गाली गलोच तक पहुँच जाना मैनूं लगदा मामला बहुत ज़्यादा वध गया। फिर देखिए, बिल्कुल जिस मुद्दे के लिए हम सदन के अंदर आए हैं हमें उस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, उस मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए। हमने पहले भी आम आदमी पार्टी को बुलाया कि आइए आप प्रेजेंटेशन देखिए और इस मुद्दे पे अपने व्यूज़ दिए, इस मुद्दे पे आप बहस करें, वो नहीं आए, जिससे दर्शाता है कि उनका एक वन साइडेड व्यू है कि हमने नहीं लगने देना। जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिए आ रहा है आप उस पर चर्चा भी नहीं करने आ रहे तो ये क्या दर्शाता है? उन्होंने बुलाया पहला आम आदमी पार्टी यानी बाकी तो विरोधी पार्टियां के काउंसलर्स है इस तो पहला उन्होंने बुलाया कि आप इस पर डिस्कस करिए? बिल्कुल बुलाया जी, और वो बिल्कुल नहीं आए। कांग्रेस वालों को हमने प्रेजेंटेशन दी है और हमने अकाली के काउंसलर को भी प्रेजेंटेशन दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के काउंसलर नहीं आए। हमने हाई पावर कमेटी में उनका मेंबर डाला, वो भी वहाँ पे आया, अपने मुद्दे सुनाए। इसलिए हम बिल्कुल, हमारा पहला निर्णय यही रहता है कि कंसेंसस के साथ हो, लेकिन अब जो वातावरण बना उस हिसाब से हमें करना पड़ा। अच्छा, उन्होंने फिर बाहर काट के मतलब थोड़ा लगा कि इन्हों पास कर लेना चाहिए था? ऐसा नहीं है जी, उनको हमने मौका दिया, अगर आप इसकी निंदा करते हैं बाकी काउंसलरों को तो आप रहिए हाउस के अंदर डिस्कशन करिए। किसी ने निंदा नहीं करी तो हमें निर्णय लेना पड़ा। अगर आपको आज की डेट में कोई प्रधानमंत्री या चुने हुए सांसद के खिलाफ कोई ऐसा बोलेगा, आप बताइए कौन सदन बर्दाश्त करेगा? उन्होंने काउंसलर्स का भी थोड़े ते दोष है, थोड़ी पार्टी के काउंसलर्स ते दोष है कि सब तो पहला गाली सानू उधरों आई है तो सानू उन्हां दा जवाब दे, कहिंदे जी सानू बाहर कढ़िया तां फिर उन्हां नूं भी। आप भी सदन में थे, आपने सुनी? आप जो मर्जी छुपाने के लिए बोली जाए, सदन के अंदर माइक के अंदर किसकी गाली सुनी गई? अब हम जो मर्जी बोली जाए कि उन्होंने ये दिया उन्होंने वो दिया, लेकिन ये बहुत जो हुआ आज ये बहुत शर्मनाक था और किसी भी चुने हुए नुमाइंदों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने देखो हुण वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो कहते जी मेरे केसां नूं भी नुकसान पहुंचाया गया, मेरी पछाण नूं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भाई साहब, वो तो कोशिश की गई, वो कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने करा उससे ऊपर कुछ हो सकता है? वहाँ पे महिला पार्षद है, एक सांसद है महिला जिसके खिलाफ वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं। बताइए, हमारे देश में चुने नुमाइंदे के खिलाफ आप बक्स बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो भी हाउस के अंदर, एक गरिमा होती है हाउस के बारे में जो मर्जी बोली।
आप बताइए, किसी विधानसभा में ऐसा होता या किसी सांसद में ऐसा होता तो क्या क्या निर्णय लेते हो? ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲਿਏ ਲੇਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਗਾਰਬੇਜ ਕਾ ਡੰਪ ਖਤਮ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਉਨਕਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਮ ਲੇਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਅਨਮੇਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।